Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to our channel Glam Up Girls. तो आज है 10वीं सहरी, तो मतलब 10वां रोजा लगने वाला है. बोलो, पता ही नहीं चला इतने जल्दी 10 रोजे भी हो गए फ्रेंड्स. तो अब मैं आई हूँ सहरी बनाने के लिए. क्या बनाऊंगी? चाय बनाऊंगी और चाय पाव मस्का खाएंगे. आज हम लोग पराठे बहुत हो गए फ्रेंड्स, पराठे पराठे पराठे. तो चाय पाव मस्का खाएंगे और जो चावल रखे हुए ना उसको मैं बगाड़ दूंगी फटाक से. तो चावल बगाड़े हुए और थोड़े ही चावल है, ज़्यादा नहीं है. अद्वैन खा लेंगे, बच्चे लोग खा लेंगे, तो बस हम लोग तो चाय पाव मस्का ही खाएंगे. तो चलो फ्रेंड्स, फिर मैं आपको मिलती हूँ जब चावल बगाड़ूंगी तब. ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने बगारेला चावल बना दिया है. अब आप क्या क्या बोलते पता नहीं, हमारे यहाँ तो इसको बगारेला चावल ही बोलते. ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कितना कम चावल है. हम लोग को तो नहीं होगा, बच्चे अच्छे हैं उन लोग को सब हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बच्चे लोग खा लेंगे. और यहाँ पर देखो ये चाय मेरी बन गई है. अब सूफिया जाके सबको उठा के आई है कि चलो उठो. उठ गए सब? हाँ, सबको उठा दिए. तभी चलो फिर सब मुंह धोकर फिर सहरी करने बैठेंगे. फिर जब सहरी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर फैज है ना, पाव लेके आके रखा हुआ है. अब यहाँ पर लग गया है पूरा दस्तरखान. और यहाँ पर अदनान है. हाय अदनान. और चार पांच कबाब वाला बताओ. वो ये बंदा है. तो फ्रेंड्स मैं उठ चुकी हूँ और मैंने नमाज वगैरह सब कुछ पढ़ ली है. और अब मैं जा रही हूँ किचन में. मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना फ्रेंड्स, मतलब सुबह में एक पार्सल आया, मैंने पिज्ज़ा पैन का ऑर्डर दिया था. अब वो पिज्ज़ा पैन कितना बड़ा आया है मैं बताती हूँ आपको. किचन में रखा हुआ है, बताती हूँ. वो देखकर मुझे इतना सा गुस्सा आया ना, मतलब पूरा इतना अरमान था ना कि मैं एकदम अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा पिज्ज़ा बना के खाऊंगी. अब वो देखना पिज्ज़ा पैन कितना बड़ा आया है. ठीक है, देखो मैंने चीज़ बॉल का मिक्सचर बना के रखा है. यहाँ पर मैंने बिरयानी का सब कुछ काट काट के रखा है. बस बिरयानी बना दूँगी, पहले मैं इफ्तारी का कर लूँ. इफ्तारी का करके रख दूँगी, फिर बाद में बिरयानी बनाऊँगी. तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने पिज्ज़ा का वो मंगाया था. देखो आप देख सकते हो, मेरे से शायद कोई गलती नहीं मिलेगी, तभी वैसा इतना ऐसा आया. देखो कितना छोटा आया. देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, देखो कितना छोटा है. ये हमारे फैमिली को नहीं मिलेगा. ये कितना साइज़ रहेगा पता है फ्रेंड्स? जो डोमिनोज का रेगुलर साइज़ का पिज़्ज़ा आता है ना, उतना ही साइज़ का है ये. बोले इतने साइज़ में कैसे हम पिज़्ज़ा बनाएंगे इतना. और मैंने ये गलती करी, मैंने दो मंगा लिया एक साथ. चलो कोई नहीं, अब जैसा है इसमें बना के इंजॉय करेंगे. फिर बाद में मैं खुद जाके मार्केट पॉइंट से ले लूँगी फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स देखा ना आपने कैसा मेरा पिज़्ज़ा वो आया, पिज़्ज़ा पैन. तो अब चलो फिर क्या कर सकते हैं, जैसा है. मेरे से कोई गलती हो गएगी, मैंने साइज़ देखा नहीं होगा ऑर्डर करने का टाइम पे, तो ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा मुझसे ही. तो ही ऐसा हुआ है. तो चलो कोई नहीं, छोटे तो छोटे 3, 4, 5, 6 बना के खा लेंगे एक साथ. मैं सोच रही थी मीडियम या थोड़ा लार्ज में आएगा ना तो सही रहेगा. तो एटलीस्ट 2-3 पिज्ज़े में हमारा घर को सबको हो जाएगा, इतने सारे हमारे घर में लोग हैं. अब ये इसमें बनाते बनाते मुझे 4-5 बनाएंगे तब जाके सबको होगा फ्रेंड्स. तो चलो फिर मैं बिरयानी बनाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. बिरयानी बनाती हूँ एक टाइम पर, फिर मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने बिरयानी बगाड़ दी. अब मैं धो रही हूँ चिकन, क्योंकि आज चिकन फ्राई करेंगे ना हम लोग. चीज़ बॉल, चिकन फ्राई और आलू का भुजिया. बस आज थोड़ा ना इंसान थक भी जाता है ना फ्रेंड्स, इतना रोज़ रोज़ इफ्तारी में बना बना के. और फिर देखें कल वल इंशाल्लाह कुछ अच्छा रेसिपी बनाएंगे. चिकन साथ के अम्मी बोल के रखे कि वो बनाने का वो है, चिकन शाही रोल, ऐसे बहुत सारी रेसिपी जो अम्मी के चैनल पर अभी आने वाली है, लेकिन धीरे धीरे आएगी. अभी थोड़ा इतनी सारी रेसिपीज़ आ चुकी है, वो सब देखकर आप जब तक ट्राई करते रहो, फिर इंशाल्लाह से हम लोग नई नई रेसिपी आपको देते रहेंगे. तो चलो फिर बिरयानी बना दूंगी. तो फिर मैं आपको फ्रेंड्स ये मसाला अभी मेरा अच्छा भून रहा है. अभी ये भूनने के बाद फिर मैं चावल अभी एक तरफ बॉईल करने रख रही हूँ जब तक, फिर बाद में फिर चावल की लेयरिंग करूँगी. अजान हो गई है और अब मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए. मैं आज ऑन टाइम, आज मेरा सारा काम हो गया, मेरा सारा
सब कुछ काम हो गया, तो चलो नमाज पढ़ लेते फटाफट से। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने चावल डाल दिया है, तो यहाँ पर मेरा चावल हो रहा है बिरयानी का, और अब मम्मी अपना रेसिपी का जो चीज़ें हैं वो फ्राई करने खड़े होंगे। तो यहाँ देखो, ये चीज़ बॉल है, चिकन फ्राई है, आलू का भजिया है, और रगड़ा है, रगड़ा है बना हुआ, वो जो कल का था ना वही है, और यहाँ पर मेरे बिरयानी का मसाला है। तो चलो, तो सब होते रहेगा ऐसे ऐसे, मैं आपको सबको दिखाते रहूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। और सूफिया कैसा लग रहा है रोज़ा, मज़ा आ रहा है? हाँ आवाज़। तो चलो फ्रेंड्स, ये मेरी बिरयानी अब जाएगी दम पे, तो ये मेरा हो गया डेकोरेशन का काम। तो चलो फ्रेंड्स, अभी चीज़ बॉल फ्राई हो रहे हैं, एक बैच हो गया, चिकन फ्राई हो गया, रगड़ा हो गया, आलू का भजिया तलना बाकी, बाकी का उधर भी दस्तरखान लगना स्टार्ट हो गया मस्जिद में भी। तो चलो फ्रेंड्स, फिर बिरयानी भी दम पे, देखो। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, मैं आलू के भजिए सब फ्राई करके ले रही हूँ फटाफट से, क्योंकि अम्मी का जो जो शूट का हो गया वो अम्मी कल के निकल ली अभी बाहर, फिर अम्मी का चक्कर आ रही है फ्रेंड्स। तो चलो फिर ये फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ सब। तो फ्रेंड्स देखो, ये सब रेडी हो गया है यहाँ पर, और कितना 6:30 बजे, वहाँ पर भी दस्तरखान एकदम लग गया है, और यहाँ पर अम्मी आकर खड़े हुए हैं। तो चलो अम्मी दस्तरखान पे लेके चलते हैं। सब कुछ काम हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए। खाना वाना भी तो बन गया है, किचन उचन सब साफ हो गया, सब काम निपटा के सब करके फिर अब जा रहे हैं हम लोग नमाज पढ़ने। यहाँ पर अम्मी अभी वजू बना रहे अपना, तो हम लोग सब जाके फिर साथ में नमाज पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। फिर ईशा के नमाज के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, नमाज वगैरह सब कुछ पढ़ के हो चुका है, कलाम पाक भी मैंने पढ़ लिया, और अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। बहुत जोर की भूख लग रही है फ्रेंड्स, तो चलो फिर फटाफट गरम गरम बिरयानी इंजॉय करते, और फिर चलो कुछ नहीं और क्या है, खाना खाओ, सैरी करो, नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, इफ्तारी करो, वही सब सीन बैक टू बैक चल रहा है। तो चलो पहले खाना खाते, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। खाना वगैरह खा लिया मैंने, सब किचन उचन सब कुछ एकदम साफ करके रखा हुआ है। तो अब मैंने ऑयलिंग भी किया है फ्रेंड्स मेरे बालों को, बहुत है ना मुझे ना सर में दर्द हो रहा था। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। कल जुम्मा भी है, तो कल नए ब्लॉग के साथ मैं मिलूंगी जुम्मा वाले डे में, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।